बहराइच अभी भी हिंसा की आग में झुलस रहा है। सीएम योगी ने आज बहराइच हिंसा में अपनी जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने परिजनों को न्याय का आश्वासन भी दिया और मुआवजे का ऐलान भी किया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। बदला खून, ये शब्द है बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा की पत्नी के, जिन्होंने आज सीएम से मुलाकात की। जी हां, आज सीएम योगी बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजनों से मिले, जहां रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने सीएम से कहा है कि जिस तरह मेरे पति को गोली मारी गई है, मैं और मेरा परिवार चाहता है कि अपराधी को भी उसी तरह से गोली मारी जाए। हालांकि सीएम ने पुलिस विभाग को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में हिंसा के दौरान 50 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की गई। इन घरों में एक भी शख्स मौजूद नहीं है। हरदी और महसी के 20 किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। प्रभावित इलाकों में आधार कार्ड देखकर ही एंट्री दी जा रही है। इलाके में आरएएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस तैनात है। जिन घरों में तोड़फोड़ की गई है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अफवाहों को रोकने के लिए जिले में 16 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने आगजनी करने वालों की पहचान शुरू कर दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत सीनियर पुलिस ऑफिसर अभी बहराइच में हैं। बहराइच हिंसा को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें लिखा, यूपी के बहराइच जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होकर काबू से बाहर हो जाना चिंताजनक। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है, जबकि आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है, और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। चाहे किसी भी जाति धर्म का जुलूस हो, चाहे वो मंदिर की तरफ से निकल रहा हो, चाहे मस्जिद की तरफ से निकल रहा हो, सभी जाति धर्म के लोगों में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के लोगों पे सरकार बहुत संवेदनशील है और ध्यान रख के बिल्कुल स्पेसिफिकली कौन है वो असामाजिक तत्व उसकी जांच करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहराइच की हिंसा में पुलिस साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है कि विसर्जन जुलूस के खिलाफ जो हिंसा और पत्थरबाजी हुई, कहीं वो पहले से बनी बनाई साजिश का हिस्सा तो नहीं। उम्मीद है पूरे मामले में जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।